हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएसके ट्यूटर्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में मैंने आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ 10th क्लास का आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस। हाँ जी दोस्तों, जो कि बेसिकली सीबीएसई का कोड 165 फॉलो करता है। एंड रिमेम्बर, दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर द रिवाइज सीबीएसई सिलेबस। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्मली बताना चाहूंगी कि आपके 10th के इस कोर्स कोड के लिए आपके पास आपको किस किस चैप्टर के लिए तैयारी करनी है, किस चीज पे कितना फोकस देना है, किस चीज पे कितना फोकस नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेकअप है प्रैक्टिकल मार्क्स का, वो किस हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो आपका यूनिट है जिसमें लैब टेस्ट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हमारा सबसे पहले HTML जितना भी पार्ट है, HTML के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी कि नॉर्मल आप कैसे पैराग्राफ बनाएंगे, कैसे आप स्ट्राइक टैग यूज करेंगे, कैसे आप कलर्स को चेंज करेंगे, इवन आप लोग कास्केडिंग स्टाइल शीट सीखेंगे। वो सब चीजें जो है उससे रिलेटेड जितने भी आपको कुछ वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे जिनके आपके पास 15 मार्क्स हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक प्रोग्राम पाइथन या स्क्रैच में भी लिखना पड़ेगा, चाहे आप पाइथन में लिखें चाहे आप स्क्रैच में लिखें। वैसे स्क्रैच जो होता है वो उनके लिए होता है जो किसी वजह से डिसेबल होते हैं, किसी पार्ट पर डिसेबल होते हैं। स्क्रैच मेनली उनके लिए यूज होता है, बट इट डिपेंड्स कि आपके स्कूल में उसको क्या प्रेफरेबल किया जा रहा है। तो उसके लिए आपके 15 मार्क्स उसके भी हैं। तो 30 मार्क्स जो है, दीज आर वेरी वेरी इजी, विच यू कैन स्कोर इट इन अ वेरी इजी मैनर, राइट। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ रिपोर्ट और वाइवा भी बनवाया जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज फॉर लैब टेस्ट, जो मैंने आपको बोला एक प्रोग्राम HTML में, एक स्क्रैच है फिर पाइथन में, राइट। नाउ रिपोर्ट फाइल की बात करें और वाइवा की बात करें, तो रिपोर्ट फाइल में देखिए 10 HTML पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे कम से कम, प्लस 5 जो है वो आपको या तो स्क्रैच या पाइथन प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके आपके जो मार्क्स है दैट इज 8, ठीक है। और इनमें 2 नंबर का आपका वाइवा होगा कि मतलब आप जो क्वेश्चंस आपके स्क्रैच या पाइथन या HTML में से पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो 10 मार्क्स हैं दैट विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट आपके टीचर्स देंगे दैट विल बी। तो इन टोटल यू आर हैविंग 15 मार्क्स प्रैक्टिकल, जो ये है आपके प्रैक्टिकल का ब्रेकअप है। दोस्तों आप इनमें वरी ना करें, अगर आप इन मेरे वीडियोस को लगातार देखेंगे तो आप प्रॉपरली समझ पाएंगे क्या चीज कैसे होगी। और मैं आपको बता के श्योरिटी दे रही हूँ दोस्तों कि अगर आपने इनको अच्छे से समझा तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके 50 में से 48 नंबर तो कहीं भी नहीं जाएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। और मैं आपको इतना भी श्योर कर रही हूँ, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और डेप्थ में देखेंगे तो ये 50 में से 50 भी ले जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा आपको कोर्स का इंट्रो और दिला देती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में मैंने आपको वैसे तो ओवरव्यू सब कुछ दे दिया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन है कि हिस्ट्री क्या थी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट का क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे मैनेज करते हैं हम इंटरनेट को, क्या क्या एप्लीकेशन होती है इंटरनेट की, दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन योर चैप्टर नंबर 1। आफ्टर देन कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पढ़ा तो वरी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इस चैप्टर के अंदर कवर अप कराऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से इंटरनेट के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, दोज विल ऑल्सो कवर अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो यूनिट 1 के अंदर आपका नॉर्मली इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे चलता है, वेब सर्विसेज क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, दोज विल बी कवर्ड ओवर, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में देखिएगा दोस्तों, सेकेंड यूनिट के अंदर आपके पास नॉर्मली HTML है सारा। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, जो भी छोटे मोटे आपके जो टैग्स आएंगे, पैराग्राफ कैसे बनाना है, सेंटर टैग में कैसे जाना है, कलर कैसे चेंज होगा, दोस काइंड ऑफ थिंग। देखिए ये आपके थर्ड फोर्थ और इन सब थर्ड फोर्थ चैप्टर में प्रॉपर कवर अप हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल के स्टे रहेंगे, ट्यून करते रहेंगे, तो आप लोग आराम से इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ये फिफ्थ चैप्टर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर HTML बेसिकली। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपके पास आ रहा है, आपके स्कूल का एग्जामिनर भी है, तो वो भी क्या करते हैं, मेनली देखते हैं कि लिस्टें क्या होती हैं, इमेज कैसे यूज किया जाता है, अगर इमेज को हमें कहीं किसी पोजीशन पे लोकेट करना है हाउ कैन वी डू दैट, आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, दोज विल कवर ओवर है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिफ्थ के बाद सिक्स वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। इसके अंदर आप बेसिकली स्टाइल शीट्स का कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वरी ना कीजिएगा प्लीज, ठीक है। नाउ तो बेसिकली जितना भी HTML है दोज विल बी कवर्ड ओवर इन द यूनिट नंबर 2, ठीक है। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 3।
यूनिट नंबर थ्री के अंदर अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर थ्री जो है दैट इज फॉर साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स बोले तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, कि अगर हम लोग कोई भी काम इंटरनेट पे कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, उसको अगर आपको कोई थ्रेट आ रहा है तो आप कैसे उसे वर्कआउट करेंगे, आप किस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, फ्री में अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इलीगली तौर पे तो उसकी कॉपीराइट्स आपके पास है या नहीं है, तो उन सब चीजों को आप कैसे कवर अप करेंगे, दोस यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आफ्टर देन इफ यू विल सी दिस इज दी फोर्थ वन एंड बेसिकली दिस पार्ट दिस यूनिट रिलेट्स टू योर प्रोग्रामिंग वन। तो बेसिकली इसके अंदर एक स्क्रैच प्रोग्रामिंग आता है, एक पाइथन, और दो जो चैप्टर है दैट इज फॉर पाइथन। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं पाइथन के बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ बट हाँ आपके इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग भी आपको मैं कवर अप करवाऊंगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए जो भी है इसके अलावा जितना भी है ये सारा सप्लीमेंट है प्रोजेक्ट, ये सप्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है, अगर अगर हम आज की दुनिया देखें तो सही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट हैव अ वेरी गुड स्कोप एक्चुअली, सब लोग इसी के उसमें चल रहे हैं और अभी सीबीएसई ने इसको हर क्लास के अंदर इम्पार्ट कर दिया है कि आपको करना ही करना है। तो कई सारे आगे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो वी विल वर्कआउट फॉर दिस। ठीक है दोस्तों, तो आई बिलीव आपको समझ आया होगा कि हमने क्या क्या पूरा क्या क्या कंप्लीट करना है, टेंथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे तैयारी करनी है और जहां पर भी फोकस जितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, मार्किंग स्कीम आपको मैंने समझाई दी है। आई होप इतनी बातें समझ आई होंगी। अगर ये चीजें समझ आई हैं दोस्तों तो स्टे ट्यून टू माई चैनल और मैं अब आपको वन बाय वन चैप्टर हर थर्ड डे के बाद जो 3 डेज का गैप के बाद आपको हर बार एक वीडियो मिलेगा, तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो यू कैन कमेंट मी और इवन यू कैन मेल मी, मैंने अपना मेल में अपना ईमेल आईडी भी डाल रखा है, तो यू कैन ऑल्सो मेल मी, आई विल गिव द रिवर्ड विद इन अ डे और टू। ठीक है ना, तो तब तक के लिए जब अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।